5th class, myself Harpreet Kaur, I am your math teacher from Baba kishindas Public Senior Secondary School, Village Salana, District Patigarh Sahib. Students, today we are going to start exercise 2.6. Let me see what are the questions in exercise 2.6. First question is, the price of the cycle is Rs. 5699. मतलब कि एक साइकिल की जो कीमत दी हुई है वो है फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी नाइन वाट इज़ द प्राइज ऑफ सेवनटीन साइकिल्स? सतारह साइकिलों की हमने कीमत पता करनी है तो देखो स्टूडेंट्स अगर हमें एक की कीमत दी हुई है ज़्यादा की पता करनी होती है तो उसमें हमेशा ही हम मल्टीप्लाई करते हैं सो so, इस क्वेश्चन में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सो so, लेट वी स्टार्ट हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन साइकिल कितनी है एक साइकिल की कीमत दी हुई है हमें रुपीज़ फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी नाइन हमें कितने की पता करनी है सेवनटीन साइकिल्स की पता करनी है तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ सेवेंटीन साइकिल इक्वल टू अब हमने क्या करना है फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी नाइन को सेवनटीन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे नाइन्टी नाइन मल्टीप्लाई सेवनटीन तो यहाँ पर हम किसका टेबल पढ़ेंगे सेवन का सेवन नाइनजा सिक्सटी थ्री थ्री यहाँ पर और सिक्स ऊपर कैरी हो जाएगा सेवन नाइन जिक्सटी थ्री अब सिक्सटी थ्री को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्सटी नाइन नाइन यहाँ पर लिखोगे और सिक्स ऊपर कैरी सिक्स सेवन जा फोर्टी टू फोर्टी टू प्लस सिक्स फोर्टी एट एट और यहाँ पर फोर सेवन फाइव जा थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन हम लिखेंगे यहाँ पर थर्टी नाइन इसके बाद हम यहाँ पर कौन सा साइन डालेंगे मल्टीप्लाई का साइन ठीक है अब हम पढ़ेंगे वन का टेबल वन नाइन जो नाइन वन नाइन जॉ नाइन वन सिक्स जो सिक्स वन फाइव ज फाइव अब हमने आगे कोई और नंबर नहीं दिया हो तो हम यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और ये दो तो डिजिट वाले नंबरों को हम ऐड कर देंगे अब ऐड करो थ्री नाइन प्लस नाइन एटीन एट ओ वन एट प्लस वन नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन एट प्लस वन नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन सिक्स ऑफ वन कैरी थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस फाइव नाइन तो यहाँ पर लिखेंगे हम नाइन तो ये हमारा आंसर है तो सेवेंटीन सारा साइकिलों की कीमत कितनी होगी नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी थ्री तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे आंसर प्राइस ऑफ सेवनटीन साइकिल इक्वल टू नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी हंड्रेड एट्टी थ्री रुपीज ये हमारा इसका आंसर है स्टूडेंट लेट मी सी सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज देयर आर ट्वेल्व टाइल्स इन अ बॉक्स बारह टाइलें एक बॉक्स में हैं तो हाउ मेनी टाइल्स आर देयर इन फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी बॉक्स तो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी बॉक्स में कितने टाइल्स होंगे अगर एक बॉक्स में ही वन बॉक्स इज नहीं इट इज वन बॉक्स अगर एक बॉक्स के में ट्वेल्व टाइल्स हैं तो 4590 बॉक्स में कितनी टाइल्स होंगी यहां पर भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ज्यादा का पता करना है हमने तो नंबर ऑफ टाइल्स इन वन बॉक्स कितना है नंबर ऑफ टाइल्स इन वन बॉक्स एक बॉक्स में कितने टाइल्स हैं ट्वेल्व ठीक है तो अगली लाइन क्या लिखोगे आप नंबर ऑफ टाइल्स इन 4590 बॉक्सेस तो हमने क्या करना है इस 4590 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना ठीक है अब यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन 590 हंड्रेड मल्टीप्लाई ट्वेल्व अब यहाँ पर किसका टेबल पढ़ेंगे पहले टू का टेबल टू ज़ीरो का ज़ीरो टू नाइन जटीन एट और वन कैरी फाइव टू फाइव ज़ा टेन टेन प्लस वन इलेवन टू फोर ज़ा एट प्लस वन नाइन फिर यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का अब हम पढ़ेंगे वन का टेबल वन जीरो का जीरो वन नाइन ज़ा नाइन वन फाइव ज़ा फाइव वन फोर ज़ा फोर अभी कोई और नंबर आगे नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को यहाँ पर एंड करके ऐड कर देंगे अब देखो यहाँ पर ऐड करेंगे हम ज़ीरोट नाइन प्लस वन टेन जीरो वन कैरी नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टी फोर प्लस वन फाइव तो इतने टाइल्स जो हैं बॉक्स में आएंगे तो कितने टाइल्स आएंगे टाइल्स आंसर है हमारा टाइल्स इन फोर थाउजेंड फाइव नाइन्टी बॉक्सेस इज फाइव थाउजेंड एटी टाइल्स आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद नाइनटी एट तो सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कितना है वन थाउजेंड ये सबको पता होना चाहिए ठीक है रिक्वायर्ड कितना है हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमने पता करनी है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन थाउजेंड को हमने नाइन्टी एट के साथ मल्टीप्लाई करना है ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है देखो मल्टीप्लाई नाइन्टी एट अब हमने एट का टेबल में है एट जीरो का जीरो एट ज़ीरो का ज़ीरो एट ज़ीरो का ज़ीरो एट जा एट अब यहाँ पर नाइन का पढ़ना नाइन ज़ीरो का ज़ीरो नाइन ज़ीरो का ज़ीरो नाइन जीरो का ज़ीरो नाइन जा नाइन अब हमने यहाँ पर क्लोज़ करके ऐड कर देना ज़ीरो 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 एट नाइन तो ये है आंसर हमारा हमने फ़ोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को नाइन्टी एट के साथ मल्टीप्लाई करा नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट द लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन इलेक्ट्रिकल शॉप एज फॉलोज मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिए हुए हैं इलेक्ट्रिकल शॉप में जैसे उनके रेट दिए हुए हैं वॉशिंग मशीन ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन एल सी डी दी हुई है फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ए सी दिया हुआ फिफ्टी फोर थाउजेंड वाटर गीजर दिया हुआ ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रेफ्रिजरेटर दिया हुआ उनका एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी नाइन तो ये सामान उन्होंने दिया हुआ है अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने देखने के क्या दिए हुए हैं चर्जित हैज वन लैक विथ हिम चर्जित के पास एक लाख रुपए है ही बायस टू वॉशिंग मशीन उसने क्या खरीदी दो मॉश वॉशिंग मशीन खरीदी हैं। एंड वन एल सी डी हर एक एल सी डी खरीदी है हाउ मच मनी हैज़ ही स्पेंड कितना पैसा उसने खर्च किया है सेकेंड क्वेश्चन है चरण ब्रदर हैज़ वन लैक ही बाइज वन ए सी टू वाटर गीजर एंड वन रेफ्रिजरेटर हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम कितना पैसा जो चरणजीत के ब्रदर के पास बच जाएगा ये पता करना उसने क्या खरीदा है एक लाख रुपए उसके पास है उसने एक ए सी खरीदी और टू वाटर गीजर खरीदा और वन रेफ्रिजरेटर खरीदा है स्टूडेंट लेट वी स्टार्ट द आंसर देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वॉशिंग मशीन एक वॉशिंग मशीन की कीमत दी हुई है ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन कॉस्ट प्राइस ऑफ टू वॉशिंग मशीन टू वॉशिंग मशीन की हमने पता करनी है तो हमने क्या करना है वन वॉशिंग मशीन को टू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हुए देखो तो आंसर आएगा फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी एट अब देखो टू वॉशिंग मशीन की कीमत हमने पता कर ली ये आ गया वन एल सी डी की गई की, कीमत क्या कीमत है फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हमने इन दोनों को ऐड कर देना है अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट जो है चरनजीत ने स्पेंड किया है क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने पता करना है कि कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया है इन सेकेंड पार्ट कॉस्ट ऑफ वन वाटर गीजर एक वाटर गीजर की कीमत दी हुई है ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन कॉस्ट प्राइस ऑफ़ टू वाटर गीजर दो वाटर गीजर की कीमत कितनी होगी ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन मल्टीप्लाई टू हमने मल्टीप्लाई करा देखो टू के साथ मल्टीप्लाई करा हमारा आंसर ये आ गया टू वाटर गीजर का तो हमने क्या करना है देखो आगे स्टेप क्या है कॉस्ट ऑफ़ टू वाटर गीजर हमने पता कर लिया आ गया कॉस्ट ऑफ वन ए सी कॉस्ट ऑफ़ वन रेफ्रिजरेटर इन तीनों को हमने ऐड कर देना है जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा नाइन्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सेवन तो हमने ये पता करना है कि कितना अमाउंट उसके पास लेफ्ट है बचा हुआ है तो उसके पास वन लैख था उसने खर्च कर दिया नाइन्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सेवन जो अगर हम वन लैख से माइनस करेंगे नाइन्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सेवन तो हमारे पास आएगा फिफ्टीन हंड्रेड थ्री रुपीज़ तो उसके पास कितने पैसे बच गए फिफ्टीन हंड्रेड थ्री रुपीज़ उसके पास बच गए लाइक दिस स्टूडेंट यू हैव टू डू दिस फो क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी थैंक यू